यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने हिमाचल सरकार को रोहतांग दर्रे के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों का पालन करते हुए प्रदेश सरकार ने रोहतांग दर्रे के लिए 25 सीटों वाली 12 बसें शुरू भी की है। इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने से शुरुआती दिनों में सैलानियों को राहत भी मिलेगी, लेकिन अब ये राहत आफत बन दी जा रही है। बस सेवा का फायदा सैलानियों को मिले और इसमें पारदर्शिता भी बने, इसे लेकर सरकार ने इन बसों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दे दी। लेकिन अब इलेक्ट्रिक बस सेवा की बुकिंग में धांधली होने लगी है। दलाल अब एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग का लाभ उठाकर 600 रुपए के इन टिकटों को ब्लैक में 2000 में सैलानियों को बेच रहे हैं।